नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संगम टीवी। देखा, जैसा कि हमने लगातार पल पल की अपडेट दी, और जो तीजा मेला है, जो बरुआ सुमेरपुर का ऐतिहासिक तीजा मेला है, जिसका इतिहास लगभग 175 वर्ष का बताया जा रहा है। जैसा कि आप देखेंगे, लगातार तैयारियां यहां पर जो की जाती हैं, जो नगर पंचायत है उस तहत देखेंगे यहाँ पर जो है नगर पंचायत के द्वारा जो लाइटिंग समस्या थी, यहाँ पर जो प्रकाश की समस्या थी, उसे जो है पूरी तरीके से दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ जो झांकियां हैं, जो मेला कमेटी के लोग थे लगातार जो है इनके द्वारा झांकियां बनाई जा रही है। देखिए, काफी झांकियां यहाँ जो गाड़ियां हैं गाड़ियों पर फिट कर दी गई हैं, और इसी के साथ साथ आप देखेंगे जो बारिश का भी ख्याल रखते हुए यहाँ पर जो झांकियां भींगने वाली हैं उन पर जो पन्नी डाल करके व्यवस्थित तरीके से जो यहाँ पर किया गया है। और देखेंगे कई झांकियां जो है लगभग 8 से 10 झांकियां अभी तक कम्प्लीट हो चुकी हैं, और कुछ झांकियां हैं जो अंदर फाटक के रखी हुई हैं पानी को देखते हुए, ताकि अगर अचानक से कोई बरसात हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो है लंबे समय से की गई मेहनत में पानी फिर जाएगा, इसके लिए अंदर सुरक्षित रखी गई हैं। देखेंगे हमारे साथ में जो कमेटी के कार्यकर्ता हैं जिनके द्वारा ये सब रूपरेखा दी गई है इस कार्यक्रम को, जो भी झांकियां तैयार की गई हैं, जरा इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कितना सुंदर यहाँ पर जो है यह कैलाश पर्वत बनाया गया है, जो यहाँ कलाकार हैं विधिवत तरीके से महीनों की मेहनत करके यहाँ पर जो है इस तरीके से रचना देते हैं। अब आइए इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जैसा देखा जा रहा है, जो कार्यक्रम थे, जो तैयारियां थी, अंतिम रूप दिया जा रहा है तैयारियों को। कल ही आज ही का समय है, मात्र जो है कल 2 बजे से लगभग झांकियां निकलना, जो शोभा यात्रा निकलना शुरुआत हो जाएगी नजदीक आ जाएगी। जी लगभग लगभग कितनी क्या तैयारियां हो चुकी हैं? तैयारी लगभग सब हो चुकी है, अब कुछ बची हैं तो जो कि शाम तक हो जाएंगी। लगभग कैसी कैसी झांकियां बची होंगी? 2-4 झांकियां बची हैं बस। हाँ, यानी कि 2-4 झांकियां अटेंडर वाली रह गई हैं, जो उसी दिन जो तैयार की जाएंगी। लगभग लगभग सारी तैयारियां कर ली गई। हाँ, जो कि मेन हमारा विमान है कृष्ण भगवान का, वो अभी अंदर रखा है, तो वो सुबह ही आएगा बाहर निकल के। देखा जो है जो भी तैयारियां थी लगातार की जा रही थी, और कुछ तैयारियां कर ली गई हैं। अब इसके साथ में हम दिखाएंगे जो यहाँ का एक कार्यक्रम है, जो भरतरी के नाम से जानते हैं, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है फिलहाल जो है, जो हमारे कमेटी के अध्यक्ष जी हैं, जरा इनसे ही बातचीत करने का प्रयास करेंगे, और जो भरतरी कार्यक्रम है वो भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं, जो यहाँ के किन्नर रहते हैं, किन्नर समाज के द्वारा, किन्नर समुदाय के लोगों के द्वारा इस कार्यक्रम को जो है किया जाता है। आइए आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखेंगे जो तीजा की तैयारियां थी लगभग लगभग पूरी हो चुकी हैं, और जो झांकियां थी सारी झांकियां भी तैयार हो चुकी हैं। और जो तीजा से पहले एक कार्यक्रम रहता है जिसे भरथरी के नाम से जाना जाता है, शायद बहुत ही कम लोगों को जानकारी होगी, कुछ बुजुर्ग हैं, जरा इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। राजा भरथरी जो थे, आज के पूर्व काल पहले की बात है, तो राजा भरथरी की एक कहानी है। ये भादव की तीज के बाद जो ये हमारे तीसरे दिन अमावस्या के तीसरे दिन का ये प्रोग्राम है, तो ये सारे सुमेरपुर में संकेत देता है कि कल हमारा ही जुलूस निकलेगा। और ये राजा भरथरी की टोटल कहानी है जो इन गायकों को द्वारा आपको सुनने को मिली। इसकी कहाँ के राजा हुआ करते थे? राजा भरथरी थे, ये बाहर के कोई थे, ये उज्जैन के, उज्जैन के राजा भरथरी थे। वो पूरी असल में इसकी कहानी हमको टोटल मालूम है। चलिए, जैसा कि कुछ जानकारी दी इन्होंने कि भरथरी नाम के एक राजा हुआ करते थे, जिसे लेकर के यहाँ पर जो है उनका जो है वर्णन किया जाता है, राजा का वर्णन किया जाता है, वो कहानी। जी जी जी, वही चीज है, उस राजा की ये सारी कहानी गायकों के माध्यम से ये लोगों पर प्रचार प्रसार होता है। जी, तो ये लोग मतलब आज से शुरुआत कर देते हैं, तो कल तीजा वाले दिन तक, जिस दिन शोभा यात्रा झांकियां निकलती है उस दिन तक चलता है। जी जी जी, आज से शुरुआत होगी और कल समापन तक ये साथ में हमारे जुलूस के साथ में रहते हैं। बिल्कुल, देखा अभी जो हमने आपको दिखाया कि पुलिस विभाग की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। लगभग लगभग यहां पर जो है 350 कर्मी, पुलिस कर्मी यहां पर जो है लगाए गए हैं, जिसमें कि
आपके जो है चित्रकूट जनपद से, महोबा जनपद से और बांदा जनपद से, साथ में हमीरपुर जनपद के 3-4 जनपद के यहाँ पुलिसकर्मी जो है लगाए गए हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पर जो है सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जाएगी, जिससे कि जेब कतने जैसी जो है कोई समस्या यहाँ पर ना हो। और साथ में बताते चलें, लगभग जो 100 से 150 पुलिसकर्मी यहाँ पर सिविल ड्रेस पे रहेंगे, यानी कि हमारे आपके जैसे कपड़े पहने हुए हमारे आप लोगों के बीच में रहेंगे, वो भी निगरानी करेंगे। हमारे साथ में जो मेला कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, जरा इनसे भी थोड़ा बातचीत करने का प्रयास करेंगे। छोटी बाजार में जो कार्यक्रम कुछ आयोजित किए गए हैं, क्या क्या कार्यक्रम है, कैसे गए सम्पन्न? यहाँ छोटी बाजार में 2 बजे से सारे झांकियां का जुलूस जो है यहाँ से निकलेगा और कृष्ण मंदिर में कृष्ण भगवान की आरती होकर के वहां से जुलूस स्टार्ट होगा। और यहाँ से नेहा नर्सिंग होम के बाद बस स्टॉप से तिराहे से घूम करके थाने के सामने से मैत्री मार्ग होते हुए फिर समापन छोटी बाजार में जुलूस का होगा। यहाँ पर कंसबद नागनाथ तालाब में, हरचंदा तालाब में होगा, इसके बाद कंसबद होगा और इसी के बाद समापन। यहाँ पर समापन के बाद जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कौन कौन से आयोजित किए जा रहे हैं? यहाँ आपके एक रास लीला है जो रात में होगी और रामलीला, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर जो भी होंगे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। बिल्कुल, देखा जितने भी कार्यक्रम होने हैं, जैसा कि नगर पंचायत के द्वारा रामलीला मैदान में भी कार्यक्रम होगा और बेलाही बाजार में भी कार्यक्रम होगा और यहाँ छोटी बाजार में भी इस बार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सारे पॉइंट जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है नोट कर लिए गए हैं, कहीं ना कहीं जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस व्यवस्था देखी जाएगी और साथ ही जो है तीसरी आंख की निगरानी भी लगातार देखेंगे। यही सारी व्यवस्थाओं का जो है जायजा लेने का है तो हमारे सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति जी भी यहाँ पर जो अध्यक्ष जी के साथ में बैठे हुए हैं, तो कैसे क्या जो है यहाँ पर तैयारियां देखी जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो इस तीज महोत्सव की मैं पूरे अपने जनपद वासियों की हार्दिक बधाई देता हूँ और ये हमारा ऐतिहासिक मेला है जो कालांतर से चला आ रहा है। इसी मेले के बाबत यहाँ के जो हमारी समिति है, समिति के आदरणीय अध्यक्ष बब्बू दीक्षित जी हैं, उनसे मिलकर के क्या क्या चीजें होनी है उसकी जानकारी ली है। सारी व्यवस्थाएं कमेटी ने अपनी चाक चौबंद कर रखी है और प्रशासन से भी लगातार हम लोग संपर्क में है कि जिस तरीके से इसका ऐतिहासिक महत्व है, उस ऐतिहासिक महत्व को और हम आगे बढ़ाते हुए इस मेले को और कैसे हम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरे प्रदेश के मानचित्र में है उसमें कैसे उभार पाए, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और निश्चित रूप से यह पूरा कार्यक्रम सफलतम होने जा रहा है। हम पुनः पूरे क्षेत्रवासियों को, अपने विधानसभा के क्षेत्रवासियों को और जिले जनपद वासियों को और विशेषकर नगर के वासियों को इस मेले के समय, मानिए कि इस पूरे नगर में कम से कम 2-2.5 लाख लोग, नातेदार रिश्तेदार दूर दराज गाँव से, दूसरे जनपदों से यहाँ के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उनको देखने के लिए उत्साह पूर्वक आते हैं, सारे कलाकारों का उत्साह वर्धन करते हैं। तो एक हमारी परंपरा है, इस परंपरा को जीवंत रखते हुए तरह तरह के कार्यक्रम में सबकी तैयारियां हो चुकी है। कमेटी पूरी तरीके से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन अच्छी तरीके से कर रही है, हम सब लोग उनके सहयोग में, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए थे और बैठे हैं। बिल्कुल, देखा लगातार जो है जो व्यवस्थाएं थी उनका जायजा लिया जा रहा है। जैसे कमेटी की बात करें तो लगभग 150 कमेटी के कार्यकर्ता जो है तैयार किए गए हैं जो झांकियों की निगरानी करेंगे, साथ ही जो है नगर में अन्य समस्याओं को देखते हुए जो है बिल्कुल मुस्तैद देखे जाएंगे। और भी चलते हैं, कुछ क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जैसा कि हमने दिखाया झांकियां पूरी कंप्लीट ही कर ली गई हैं, कुछ ही झांकियां बाकी रह गई हैं जो कल ही झांकियां होंगी और लगभग 2 बजे से शोभा यात्रा निकलने की शुरुआत हो जाएगी, जो कस्बा सुमेरपुर का भ्रमण करते हुए इसी छोटी बाजार में ही समापन होगा और जो आगे कार्यक्रम है वो भी आयोजित किए जाएंगे। मैं अजय प्रजापति, संगम टीवी हमीरपुर। रुक जा यार, वीडियो बन रहा है। Yeah.
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।